सरकार की बेरुखी पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ बिफर गया है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में हर सरकार हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई घोषणा करती रही है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिवालय में महासंघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 अगस्त को कर्मचारी गेट पर जनरल हाउस आयोजित करेंगे। यह गेट मीटिंग सरकार के लिए एक चेतावनी होगी कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय किया जाए। अगर सरकार मांगों पर गौर करते हुए निर्णय नहीं लेती है तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा क्या बोले, सुनिए। देखिए, ऐसा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई ना कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वैसे तो क्या होता है कि ससुराल वाले ज्वाइन को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आएँ। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर, साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है, और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है, आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपये किलो मिल रहा है, बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन जो महासंघ है, इसमें हमारी 5 एसोसिएशन हैं, जैसे ऑफिसर एसोसिएशन की जो हमारी प्रेसिडेंट है गीता जी हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी अपने ज्योति जी हैं, इसी तरह पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के जो प्रेसिडेंट हैं तुलसी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बोध राम चंदेल जी हैं, और इसके बाद हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमर जी और जनरल सेक्रेटरी सतीश जी हैं, इसी तरह क्लास 4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं, टेकराम जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिल जी हैं, तो हम 5 एसोसिएशन का आज हमारी यहाँ पे मीटिंग है, और हम एक वैसे भी हमारी डीए और एरियर को छोड़ के हमारा जो आज मुद्दा है उसका नहीं है मेन, वो है जो सचिवालय की हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है, लेकिन सचिवालय में ही क्लरिकल की यानी के क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ ऑफिसर की 18 पोस्टें खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो पहली डिमांड तुम्हारी यही है सरकार से कि यहाँ पे पोस्टें भरी जाए, इसके लिए हमने उनको सुझाव दिया था, 1962 पोस्ट कोड है, उसमें 82 लोग सचिवालय में आने थी, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन सचिवालय की जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं कि जिस तर्ज पे आपने 817 कोड के जो 1800 जीओ को आप भर्ती दे रहे हैं, उसी तरह जो हमारे जो 82 लोग यहाँ पे आने हैं, उनको भी आप उसी कंडीशन पे, उसी एनालॉजी पे, उनकी भी आप यहाँ पे भर्ती करवा दो। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।